जज़ाक अल्लाह। जहाँ सुनने वाले होते हैं ना, वहाँ का माहौल ही बड़ा नूरानी होता है और पुरकैफ होता है। ऐसी बात है, हमारे यहाँ मेहदी भाई तशरीफ़ फरमा है और ये गिराफ एजेंसी जो पूरी अमानतदारी के साथ अपनी तमाम तर कोशिशें जारी और सारी रखती है, ज़िक्र अहले बैत अलैहिम सलाम पूरी दुनिया के गोशे गोशे में ये अपने चैनल के ज़रिए और इस एजेंसी के ज़रिए नशर करती है। हुक्म हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है बड़ा पुरकैफ और बड़े रूहानी और बहुत ही माशाल्लाह इश्क रसूल और आले रसूल अलैहिस्सलाम में सरशार अफराद तशरीफ़ फरमा है, क़िबला काबा तशरीफ़ फरमा है। ये चार मिसरे का ये हुक्म आए तो बहरहाल मैं आपको गोशगुजार किए देता हूँ और फिर नदीम सैनपुरी साहब बारगाह मौला में नज़राना अकीदत पेश फरमाएंगे कि अली का जिक्र जो आए अगर मगर मत कर। अली का जिक्र जो आए अगर मगर मत कर, हवा के दोष पे दरियाओं का सफ़र मत कर, हवा के दोष पे दरियाओं का सफर मत कर। अभी भी वक्त है खुद को सुधार ले मुफ्ती, अली को मान ज्यादा बकर बकर मत कर। अभी भी वक्त है खुद को सुधार ले मुफ्ती, अली को मान ज्यादा बकर बकर मत कर। अभी भी वक्त है खुद को सुधार ले मुफ्ती, अली को मान ज्यादा बकर बकर मत कर। जाते अली अलैहिस्सलाम ये शहीद शहीदी के मिसरे हैं बड़े पुरकैफ। अब आप देखिए ज़ाते आली अलैहिस्सलाम मेरे मौला की शान, वो फरमाते हैं कि मजहरे किबरिया याली, मजहरे किबरिया याली, नफ्से खैरुल वरा याली, कैसे बंदा तुझे मैं कहूं दिल नहीं मानता याली, कैसे बंदा तुझे मैं कहूं दिल नहीं मानता या अली, कैसे बंदा तुझे मैं कहूँ दिल नहीं मानता या अली। आई हजरात इल्तिमास की जाती है, जाहिर सी बात है आप बड़ी मोहब्बतों के साथ सुनते हैं और आज माशाल्लाह तमाम तर महफिलों में जहाँ कहीं भी ये जिक्र अहले बैत सलाम करने का शर्म मैसर होता है पूरा हक अदा करते हैं। लेकिन नदीम सैनपुरी साहब जाहिर सी बात है तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके भी ट्रेन भी उन्हें जाना है, इस वजह से अव्वलन इल्तिमास की जा रही है तशरीफ़ ला रहे हैं नदीम सैनपुरी साहब। आप हजरात बावाज़े बुलंद नारा सलावात शाह।